आधुनिक तकनीक से कृषि होती नहीं थी, पहले बड़दों से कृषि होती थी, बैलों से। फिर हमने वो संभालने के बाद में कृषि को बढ़ाया, फिर ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर से कृषि करने लगे। फिर कृषि के साथ साथ में हमने पशुपालन का विचार सोचा, और पशुपालन हमने शुरू में 9 गायों से किया। आज हमारे पास में 60 पशु हैं। होलस्टाइन की नस्ल है, साहिवाल की है और राठी की है, ये नस्ल हमारे पास में है। जब 4 क्विंटल दूध के आसपास हमारे पास दूध होता है, जब 3 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, जिसमें कुछ खर्चा आ जाता है, खर्चा काटने 1 लाख रुपए का खर्चा निकाल देते हैं और 3 लाख रुपए बच जाते हैं। दूध हम मशीन के द्वारा निकालते हैं और कैनों में पैक करके और अमूल्य डेयरी के सेंटर पर भेज देते हैं। गाड़ी लेने के लिए आती है डेयरी के ऊपर से ही, वो ले आ जाती है, और खाता नंबर बैंक में दे रखे हुए, बैंक में खाता में पेमेंट आ जाते हैं, 10 दिन में पेमेंट आ जाता है हमारा, और बैंक में से निकाल के हमें पेमेंट भी कर देते हैं और आधी बचत रख लेते हैं। गोबर कंपोस्ट खाद बना रखी है हमने, वो खेतों में डालते हैं, और DAP कम कर दिया हमने, और गोबर कंपोस्ट में प्याज की पैदावार लेते हैं और गोभी की। गोभी के अंदर 2 फायदे, तो पशुओं के लिए हरा चारा मिल जाता है और मार्केट में गोभी बेच देते हैं, और हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार, ग्वार, ये हरे चारे के लिए हम देते हैं। एक पशु को 20 किलो के आसपास हम ये खिलाते हैं हरा चारा, और सूखे के में आए भूसे में, जैसे दाना, गेहूं का दलिया, सरसों की खड़, बाजरे का आटा, बिनोड़े की खड़, ये पशुओं को हम दाने के रूप में देते हैं। और एक पशु को 1 लीटर पर 400 ग्राम दाना की एवरेज के हिसाब से ये खिलाते हैं। फिर उसके बाद में जो आगे आगे जो बछड़िया होती है उसको हम पालते हैं, तो वे 18 महीने के अंदर पूरी गाय हो जाती है, तैयार हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से भी मैंने ये देखा कि पूरे क्षेत्र में इनके यहाँ पे सबसे उन्नत नस्ल के पशु थे उस समय पे, तो हमने इनको प्रेरित किया कि आप इससे आगे थोड़ा बढ़ करके आप जो संरक्षित खेती है उसको भी अपनाएं। तो इन्होंने उसमें अपनी सहमति जाहिर की और 2009 में इनके यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस है 1008 वर्ग मीटर में, इसकी फाइल तैयार करा करके हमने इनके यहाँ पर स्थापित कराया। ये 10.5 लाख का प्रोजेक्ट है, 2.5 लाख हमारे और 75% सब्सिडी गवर्नमेंट ने हमें स्वीकृति दिलाई। उसके बाद में हमने डच रोज लगाए इसमें, गुलाब के डच रोज, जो बंगलोर से पौध मंगाई थी, जब 3 रुपए की एक पौध हमारे पड़ी और सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी। डच रोजेज जो मंगा करके इनके ग्रीन हाउस में हमने लगवाए, और फ्लोरेंस फ्लोरा जो कंपनी है उसके प्रतिनिधि भी यहाँ आकर के इनको टेक्निकल नोहाउ दी, और उसके आधार पर इन्होंने डच रोजेज में अच्छा प्रॉफिट लिया, जिसमें 1 लाख की इनकम हुई, 20,000 रुपये खर्चे गए, 80,000 रुपये मेरे को मुनाफा हुआ। उस 80,000 को मैंने और आगे बढ़ाने के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाया। फार्म पोंड और नर्सरी इन्होंने लगा रखी है, इसको देखते हुए इनको सौर ऊर्जा का प्लांट दिया गया, जिसमें 6.5 लाख रुपये कुल कीमत आई और इनको 86% अनुदान उसमें मिला, केवल 90,000 रुपये इनको देने पड़े। सूर्य ऊर्जा का प्रोजेक्ट 6.5 लाख का है, जिसमें 90,000 रुपये मेरे लगे, जिसमें बहुत ही फायदा है, लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बहुत फ़ायदा होता है ग्रीन हाउस में, उससे सिंचाई हो जाती है मोटर से चलकर, और डीजल उजल की कोई खपत नहीं होती, सगड़े दिन 1.5 इंची पानी खूब देता है, जिसमें गायों की धुलाई भी हो जाती है, पशुपालन पी लेते हैं पानी। इससे इतना फ़ायदा इनको हो रहा है कि इनको लाइट भी मिल रही है और अपने नर्सरी और जो छोटे उनके क्या सब्जियों को सींचने के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, बहुत ही कम लागत में इनको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसको देखते हुए आसपास के जो काश्तकार हैं उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और वो भी इस तरफ रुझान अपना ले रहे हैं। इस तकनीक को देख करके आसपास के लगभग 6-7 किसान इसे प्रभावित हुए, और डिस्क के अंदर, गोकुलपुर के अंदर और बहरोट के अंदर कई किसानों ने ग्रीन हाउस की स्थापना की,
उन किसानों ने भी उसमें जो है रंगीन शिमला मिर्च और खीरे ये लेकर के दिल्ली अपना उत्पाद बेचा और अच्छा प्रॉफिट अर्जित किया। और उसके बाद में हमने जैविक खाद बनाने, हमारे पास गोबर बहुत होता है, जब जैविक खाद बनाया और DAP की बचत की हमने, जिसमें हमारा पैसा बचा और वह पैसा और काम में लिया हमने, और गोभी की पौध, टमाटर और प्याज का प्रोजेक्ट हमने और बढ़ा लिया। जब देसी खाद डालते हैं और यूरिया DAP बहुत कम मात्रा में डालते हैं। टमाटर के बाद में मैंने ग्रीन हाउस में गोभी का 2 किलो बीज लाकर इसमें पौध तैयार की, जिसमें किसी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं थी, बहुत बढ़िया पौध तैयार हुई। पौध मैंने अपने खेत के अंदर लगाई, इस पौध का खेत में रुपाई का कार्य चल रहा है। अलवर ज़िले में ये देखा गया है कि इनके बराबर जो पशु पालन की जो टेक्नोलॉजी है या जितने संख्या में उन्नत नस्ल के पशु इनके यहाँ हैं, इतने और किसी किसान के यहाँ नहीं हैं। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के, क्योंकि ये वेजिटेबल प्रोडक्शन भी लेते हैं, ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती भी इनके द्वारा की जा रही है, और उन्नत नस्ल के लगभग 60-70 पशु इनके यहाँ हैं, दूध निकालने की मशीन वगैरह इनके यहाँ हैं, और अभी इन्होंने सोलर पंप भी स्थापित किया है। तो हमने इनको जो है, जो ज़िले स्तर पर चयनित किसान थे उनमें इनका 5 किसानों में इनका चयन हुआ, और उसके बाद निदेशालय स्तर से जो गठित कमेटी है उन्होंने इनका पुनः भौतिक सत्यापन किया और राज्य स्तर पर इनको पुरस्कृत किया गया। हमने मंत्री महोदय के गठन की टीम के साथ इसराइल का दौरा किया, वहाँ हमने बूंद बूंद सिस्टम, खारे पानी को समुद्र का पानी वहाँ मीठे पानी के तौर पर, बरसात का पानी इकट्ठा उसको मिलाकर फिर वे सिंचाई और करते थे, ये हमने वहाँ देखा। वहाँ देखने के आने के बाद में हमने यहाँ भी उस सिस्टम को अपनाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज ये जो है इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आसपास के जो किसान हैं वो इनसे प्रेरणा लेकर के कई डेयरियाँ इस क्षेत्र में किसानों ने प्रारंभ की हैं और ग्रीन हाउस में भी अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं।